जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं इतिहास का खिलजी ही वंश का भाग दो, पार्ट सेकंड। क्योंकि मैंने आपको बताया था वीडियो बहुत ज्यादा, क्लास बहुत ज्यादा बड़ी होने की वजह से हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो आज हम सेकंड पार्ट्स पढ़ेंगे। ये पार्ट्स हमारा कौन सा है? ये पार्ट्स टू है, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट फर्स्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तर भारत में जो अभियान चले थे वो कौन कौन से, उसको हमने क्लियर कर रखा है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आप लोग पहली वीडियो को देख लें, उसके बाद आप अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान जो शुरू हुआ है इसको पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी आज की क्लास में। और मैं आपको एक मैसेज दे दूं ये कि मेरे चैनल, मेरे क्लास को, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए किया करें आप लोग, और मेरे चैनल से जल्दी आप लोग जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो एजुकेशन को हर उस घर तक पहुंचाना है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने एक मिशन चलाया है जिसमें हम आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट को प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं एशियन हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया हूँ, मिडवेल पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश ग्रामर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सारी क्लासेस मेरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। मेरी बात समझ गए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर उस घर तक पहुंचाएं जहां तक बच्चों को पहुंचाएं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर की कंडीशन, पैसे की मजबूरी, गरीबी की वजह से वो नहीं पढ़ पाते। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं जिसका हर बच्चा फायदा उठा ले। और एक चीज मैं आपसे बताऊंगा कि अभी एसएससी एमटीएस के पेपर हो रहा है और जहां तक मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करा रखी है, यकीन मानिए जितने भी पेपर हुए, जितने भी सेट बने, सारे में कुछ ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसे हैं। ना हो यकीन तो आप एसएससी एमटीएस के पेपर उठा लें और मेरे वीडियो को, मेरी क्लास को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा क्या कितना मैंने सही बोला और कितना मैंने झूठ बोला है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है MSGS अड्डा के नाम से, उसके सर्च करें, उस पर आप लोग ऐड हो जाए। उस पर हम आपको PDF देते हैं करंट अफेयर की, और 7844085202 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसे आप मैसेज करें मेरे ऊपर, अपना नाम लिख के, गर्ल्स अलग नाम लिखें और बॉयज अलग नाम लिखें, लिखकर भेजें, जिसमें हम ग्रुप बनाएंगे और आपको वहां पे मैं करंट अफेयर प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोग मुझसे हमेशा जुड़े रहें। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि उस मेरा जो मिशन है, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, मैं आपको क्लास आप तक पहुंचा सकता हूं। अब आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मेरी मदद करनी होगी ताकि हर एक घर तक आप शेयर करेंगे तो हर बच्चों तक वो चीज पहुंच जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। तो दक्षिण भारत अभियान में जो पहला अभियान हुआ तो देवगिरी का अभियान हुआ है, जो देवगिरी पर आक्रमण हुआ। कब हुआ था? तो 1296 में, ठीक है, 1296 में। क्या हुआ था? देवगिरी का राजा, यहाँ का राजा कौन था? देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव, यादव शासक, ठीक है, जिसने अलाउद्दीन को एलिचपुर प्रांत से होने वाली आय देने का वचन किया। तो रामचंद्र देव ने क्या किया, अलाउद्दीन से एक वादा किया था कि एलिचपुर प्रांत से जो आय होगी उसे हम आपको देंगे। लेकिन 1307 ईस्वी में, समझे, मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। क्यों किया वो भी हम समझते हैं कि रामचंद्र देव ने जब अलाउद्दीन खिलजी से यह वादा कर रखा कि हम आपको एलिचपुर प्रांत से जो आय होगी हम उसको आपको प्रोवाइड करेंगे, देंगे, लेकिन ये अपने वादे से मुकर जाते हैं और जिस वजह से मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण कर देते हैं। देखे, देवगिरी पर आक्रमण कर दिया और रामचंद्र देव वचन देने के बावजूद भी अलाउद्दीन को कर देना बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? कर देना, इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया था। इसी कारण मलिक काफूर ने
इसके राज्य पर आक्रमण किया। किसने किया था इसके राज्य पर? तो मलिक काफूर ने। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि अलाउद्दीन खिलजी का मेन आदमी था मलिक काफूर, कई जंगें जीती है इसने, ठीक है। और इसके राज्य पर आक्रमण कर रामचंद्र देव को इसने दिल्ली भेजा और कहा जाओ यहां से, दिल्ली जाओ, सुल्तान के पास जाओ, और तब उनको ये जवाब देना कि आपने जो एलिशपुर प्रांत से जो आपको इनकम होने वाली थी उससे आपको कर देने का वादा किया था, उस कर को आपने क्यों नहीं दिया, जाके दिल्ली जवाब दो। तो क्या किया, रामचंद्र देव को दिल्ली भेजा, जहां अलाउद्दीन ने मित्र के जैसा व्यवहार किया। अलाउद्दीन ने मित्र के जैसा व्यवहार कर इसे राय राया की, राय राया भी कहीं कहीं है और तो राय रायन भी कहीं है, ठीक है। क्या है, राय राया भी है तो राय रायन भी कहीं कहीं लिखा है, तो दोनों कंफ्यूज ना होइए। तो अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय राया की उपाधि प्रदान की, ठीक है, और इसे नवसारी जिला भेंट किया। कौन सा जिला भेंट किया? नवसारी जिला भेंट किया। और अलाउद्दीन ने इसकी पुत्री इल्ला पाली से विवाह कर लिया। अलाउद्दीन ने क्या किया, रामचंद्र देव की पुत्री से इल्ला पाली से इसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। फिर देखें दूसरा आक्रमण जो दक्षिण भारत पे अभियान जो चला, वो वरंगल जो तेलंगाना अभियान हुआ, तो कब हुआ, तो तेलंगाना अभियान हुआ इसका 1309 ईस्वी में, ठीक है। तो 1309 ईस्वी में कहां अभियान हुआ इसका, तेलंगाना का। यहां का शासक जो थे उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। किस वंश के थे, तो काकतीय वंश के थे, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी वरंगल, ठीक है। तेलंगाना के राजा कौन थे, प्रताप रुद्रदेव, और राजधानी क्या थी, वरंगल। वरंगल और तेलंगाना किताब में दोनों नाम लिखा है, वरंगल अभियान भी हुआ है और तेलंगाना भी अभियान हुआ है। तो देखें इसे मलिक काफूर ने पराजित कर दिया किया और इसने सुल्तान की उपाधि अधीनता को स्वीकार कर लिया, ठीक है। आप क्या क्या याद रखेंगे, आप ये याद रखेंगे 1309 ईस्वी में कौन सा अभियान चला, 1296 में कौन सा अभियान चला, किसके विरुद्ध हुआ, राजा का नाम, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। हमने इसलिए लिख दिया है पूरी सारी चीजें ताकि आपको एक कहानी की तरह हम आपको समझा सके। आगे देखें होयसल राज जिसे द्वार समुद्र भी कहते हैं पर आक्रमण किया गया, कब, 1310 ईस्वी में। यहां के शासक कौन थे, यहां के शासक थे वीर बल्लाल देव तृतीय। बाहुबली मूवी देखी है ना, बल्लाल देव, तो वही बल्लाल देव हैं, ठीक है। वीर बल्लाल देव तृतीय कहां के शासक थे, तो द्वार समुद्र मतलब होयसल राज्य के। कब आक्रमण हुआ था, तो 1310 ईस्वी में। अब इसकी राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र, ठीक है। अब मलिक काफूर ने से पराजित होकर सुल्तान की अधीनता को इसने भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन दक्षिण भारत का एक राजा ऐसा हुआ है जिसे पांड्य राज्य के नाम से जानते हैं, वीर पांड्य, उसने जो है सुल्तान की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। वही हम पढ़ेंगे पांड्य राज 1311 ईस्वी में, पांड्य राज 1311 ईस्वी में पे आक्रमण हुआ, जो अलाउद्दीन का दक्षिण भारत अभियान हुआ, कब हुआ, तो 1311 ईस्वी में। किस राज्य पे हुआ, तो पांड्य राज्य। यहां का राजा कौन था, यहां का राजा थे वीर पांड्य। राजधानी क्या थी, मदुरा। ये याद रखें आप, राजधानी आज जरूर याद रखिएगा, राज्य में हुआ, किस सन में हुआ, किसने किया, ठीक है, वो याद रखें आप बस, और बहुत ज्यादा कहानी आपको याद नहीं रखी है। देखिए मलिक काफूर ने 1311 में आक्रमण किया पर ये हाथ नहीं आया, कौन, वीर पांड्य, और इसने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। दक्षिण भारत का यही एक राजा ऐसा शासक ऐसा था जो पराजित हुआ परंतु सुल्तान की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उम्मीद करता हूं जहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी।
दक्षिण भारत में हमको सिर्फ यही चार अभियान को पढ़ना था, दक्षिण भारत में और कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे जो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी थे वो कौन कौन, उनको किन नामों से जाना जाता है। इसके पढ़ने के बाद हम अलाउद्दीन के कुछ उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। फिर उनकी मृत्यु कैसी हुई, उनके बाद जो शासन हुए, ठीक है, उस सारी चीजों को क्लियर करके तो आज की क्लास यहीं पे हम खत्म कर देंगे। तो जल्दी से इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी के बारे में। बहुत गर्मी में भाई ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, लाइट नहीं आ रही है, लेकिन वादा किया हूं आप लोगों से कि आप लोगों को मैं डेली क्लास दूंगा। उस वादे के हिसाब से मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं। इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, आप देख ही सकते हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है। इसके बावजूद जब आप लोग कमेंट्स नहीं करते और वीडियो को पूरा नहीं देखते और सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो रियल बताऊं बहुत तकलीफ होती है। आपके एक सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं लेगा, आपको फायदा ही होगा क्योंकि आपको फ्री में पढ़ाई मिल रही है, पढ़ने को मिल रहा है, तो आपको तो कुछ नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, फ्री आपका आपको हिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद जब आप लोग नहीं करते ना, रियल बताएं बहुत तकलीफ होती है, देख रहे हैं पसीना, इसके बावजूद मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, मर्जी आपकी, मैं तो अपने फर्ज अदा ही करूंगा, वादा के हिसाब से मैं अपना काम करता रहूंगा, अच्छी लगेगी तो आप लोग देखिए क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप खुश रहें, आप सक्सेस पाएं, जिंदगी में कामयाब हो, कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़िए, बस यही कहूंगा। आइए देखते हैं आगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी। देखिए शाहनाय मंडी, तो क्या हुआ था, बाजार का एक नाम था शाहनाय मंडी के अधिकारी को बाजार अधीक्षक कहते थे। क्या कहते थे? बाजार अधीक्षक कहते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बारीद मंडी का अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था बाजार निरीक्षक, ठीक है। तो शाहनाय मंडी का अधिकारी को क्या कहते थे? बाजार अधीक्षक कहते थे। और बारीद मंडी के अधिकारी को क्या कहते थे? बाजार निरीक्षक कहते थे, ठीक है। मुहयायान विभाग का अधिकारी को क्या कहते थे? तो गुप्तचर कहते थे, ठीक है। मुहयायान विभाग का अधिकारी क्या कहते थे? गुप्तचर। दीवाने रियासत का अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दीवाने रियासत के अधिकारी को बाजार नियंत्रक कहा जाता था। अब देखिए कंफ्यूजन कहां होगी आपको, कंफ्यूजन यहां होगी कि शाहनाय मंडी के अधिकारी को क्या कहते थे? तो शाहनाय मंडी के अधिकारी को बाजार अधीक्षक कहा जाता था। अब बारीद मंडी को के अधिकारी को कहा जाता था बाजार निरीक्षक, तो अधीक्षक निरीक्षक, ठीक है। अब दीवाने रियासत के अधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवाने रियासत के अधिकारी को बाजार नियंत्रक कहा जाता था। सराय अदल के अधिकारी को क्या कहते थे? सराय अदल के अधिकारी को क्या कहते थे? तो न्याय अधिकारी कहा जाता था, ठीक है। तो क्या बाजार नियंत्रण अधिकारी के बारे में आपको इतनी बात क्लियर हो गई? इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, यहीं तक बनता है, ठीक है। और इससे ज्यादा है भी नहीं, तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता अपने से ज्यादा, क्योंकि भाई मैं अपने से कुछ बनाऊंगा नहीं ना, जितने भी किताब में है उतने ही तो मैं पढ़ाऊंगा। आगे देखिए बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन की बाजार नियमन की नीति जो है इसकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हो गई। जो इसने नीति बनाई थी बाजार की, जब इसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के तुरंत ही बाद ये बाजार नियंत्रण नीति जो इसकी है वो समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन के द्वारा किए गए निर्माण देखेंगे, उसके बाद इसकी मृत्यु कैसे हो जाती, मृत्यु होने के बाद मलिक काफूर ने क्या किया, फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे मुबारक शाह खिलजी के बारे में, उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में, वहीं से आज से खिलजी वंश की समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लोग तुगलक वंश के बारे में शुरुआत करेंगे।
तो देखते हैं अलाउद्दीन के द्वारा किए गए निर्माण, तो अलाई दरवाजा, सीरी का किला, देख लीजिए आप लोग, अराई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये सब कहां पर स्थित है? तो ये सब है दिल्ली में। ठीक है, तो अलाई दरवाजा कहां है? दिल्ली में। सीरी का किला कहां है? तो दिल्ली में। हजार खंबा महल कहां है? दिल्ली में। देखिए हम इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था ना तो हम ऐसे ही लिखा करते थे। इससे क्या होता था कि हम कभी भूलते नहीं थे। हम क्या क्या होता था? भूलते नहीं थे। अब ऐसे लिख दें अलाई दरवाजा दिल्ली में, सीरी किला दिल्ली में, हजार खंबा महल दिल्ली में, तो नहीं। हम ऐसे जो लिख जैसे मैंने पढ़ा है वैसे मैं आपको बताऊं, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये सब दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रहेगी। फिर देखें बस कार्य यहीं तक होता है। उसके बाद अलाउद्दीन के दरबार में, देखिए अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो, ठीक है, तथा हसन देहलवी जैसे कवि रहते थे। और ये चीज देखिए, अमीर खुसरो नहीं, सितार का आविष्कार, किसका आविष्कार? सितार का आविष्कार तथा वीणा का संशोधित अमीर खुसरो ने ही किया था। ये आपका स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सितार का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। हम यहां भी लिख दे रहे हैं आपको, अमीर खुसरो ने। ठीक है, और वीणा को संशोधित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता किसको है? अमीर खुसरो को ही जाता है। आगे देखें, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के 6 वर्षीय बेटे शिहाबुद्दीन खिलजी को गद्दी पर बैठा देते हैं। क्या देते हैं? शासक बनाकर गद्दी बैठा देते हैं। लेकिन अब 6 वर्ष का बच्चा है, यह शासन तो करेगा नहीं, तो इसका फायदा उठाते हैं कौन? मलिक काफूर। कौन उठाता है इसका फायदा? मलिक काफूर बनाकर खुद उसके प्रति जो है शासक बन गया। ठीक है, मलिक काफूर। लेकिन अलाउद्दीन के तीसरे बेटे जिसका नाम है सिहा, वो मुबारक शाह ने सिर्फ 35 दिनों के शासन के बाद ही अलाउद्दीन के तीसरे बेटे मुबारक शाह ने मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं और अपने 6 वर्षीय भाई की भी हत्या करके खुद को राजा घोषित कर लेता है। सोचिए कितने नालायक किस्म के इंसान रहा होगा ये मुबारक शाह खिलजी। मैं ऐसे लोगों को तो एक नंबर घटिया किस्म के इंसान कहूंगा। इसको तरस नहीं आया, इसको मुरव्वत नहीं आई कि जिस मां ने तुझे पैदा किया, जिस मां ने इसे पैदा किया, 6 वर्ष के भाई का क्या कसूर था यार? क्या कसूर था? आपको मारना था, आपने मलिक काफूर को मार दिया। ठीक है, मार दिया, कोई बात नहीं। मलिक काफूर ने तो ये षड्यंत्र रचा ना कि 6 वर्षीय के बेटे को शिहाबुद्दीन खिलजी को बैठा दो और खुद राजगद्दी पे राज करो। तो गलती किसकी थी? मलिक काफूर की। ठीक है, आपने उसको मार दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मुबारक शाह खिलजी घटिया किसी को, मैं तो बोलूंगा ना, हजी एक नहीं 4 बार बोलूंगा, एक नंबर के घटिया किस्म का इंसान। इसको तरस नहीं आया यार, अपने 6 साल के भाई को, सिर्फ 6 साल के भाई को इसने मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ किसके लिए? सत्ता के लिए। जो दुनिया में आया है उसे मरना ही है, आज नहीं तो कल, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी होगी। लेकिन चंद ख्वाहिशों के लिए आप अपने खून को खून बहाए, अपने 6 वर्ष के भाई की आपने हत्या कर दी, ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। आप समझिए, जब मैं शुरू सुनूं तो पहली बार मैंने पढ़ा था कि मुबारक शाह खिलजी ने अपने 6 वर्षीय भाई शिहाबुद्दीन खिलजी की हत्या करके राजगद्दी को अपना लिया। यकीन माने ना, मुझे घिन आने लगी कि ऐसे ऐसे लोग दुनिया में थे जो सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए, शासन करने के लिए,
अपने भाई को मार दिया। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मुबारक शाह खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मुबारक शाह खिलजी के बारे में। पसीने में मत जाइए, बहुत गर्मी है भाई, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे मुबारक शाह खिलजी के बारे में। मुबारक शाह खिलजी यह कमीना आदमी, मुझे तो समझ लीजिए न जाने क्या क्या कहने किसको मन कर रहा है, लेकिन नहीं कह सकता। एक नंबर का घटिया किस्म का आदमी, और एक नंबर का समझ लीजिए बदतमीज। ये एक ऐसा राजा हुआ है, पूरे सल्तनत में ऐसा राजा हुआ है, इससे ज्यादा बदतमीज, इससे ज्यादा निहायत घटिया किस्म का कोई राजा नहीं हुआ। ऐसा राजा था कि पहली बात तो इसने 6 साल अपने भाई, 6 साल का भाई, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, उसकी हत्या करके एक गद्दी शासन कर लिया। अब इसको एक मन्ना जाने कौन सा शौक था। शौक यह था कि कभी कभी ये औरतों के कपड़े पहन के दरबार में आ जाता था, कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था, बिल्कुल नंगा आ जाता था। सोचिए ये इंसान है, इनके तो गर्दन से काट के चिलकौवों को खिला देना चाहिए था। तो आइए पढ़ते हैं साहब के बारे में, देख लेते हैं। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का, मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान का नाम बताएं जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था, खलीफा की उपाधि धारण किए थे। वो कौन है, ये साहब है, ठीक है। या दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर, तो कभी कभी निर्वस्त्र ही आ जाता था, और दरबारों में ना ये दौड़ा करता था। सोचे जरा सा, महिलाओं के कपड़े पहन के दौड़ा करता था कभी कभी दरबार में, और कभी कभी बिल्कुल नंगे ही दौड़ा करता था। सोची जा रहा था हाँ, और ये कहता था कभी कभी, जब उसको शौक लगती थी, मुझे हंसी आ रही बताने में, फिर भी कहानी है बता दे रहा हूं। कभी कभी उसको शौक लगती थी ना, तो दरबार में जितने भी लोग रहते थे सबको कहता था सब लोग निर्वस्त्र हो जाओ, सब लोग नंगे हो जाओ। क्या यार, क्या किस्म के इंसान हो तुम, बताइए, शर्म नहीं आती आपको? अरे आप तो पहन ही रहे हो, दुनिया के उसी लाइन में ले जाओगे क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो कभी कभी निर्वस्त्र ही आ जाता था, मुझे हंसी आ रही है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। देखिए, फिर जिससे परेशान होके कुछ समय बाद इसके ही प्रधानमंत्री खुसरो खान ने, किसने, खुसरो खान ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, लेकिन एक ही तलवार मारा था, ये गलत किया, काट डालना था इसको बोटी बोटी, तब सही रहता। तो इसके प्रधानमंत्री खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर खुद शासक बन गया। लेकिन बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि जैसे ही शासक बनता है तो वैसे ही इसकी भी हत्या करके खिलजी वंश को ही समाप्त कर दिया जाता है। और कैसे होती है हत्या, वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। फिर जब खुद का शासक बन गया तो अब हम पढ़ेंगे किसके, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, मतलब यही खुसरो शाह, ठीक है, जिसे खुसरो खां भी कहते हैं, ठीक है। तो यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम था, ये मुसलमान नहीं थे पहले, ये हिंदू थे, और हिंदू धर्म से परिवर्तित इस्लाम कबूल करके ये मुस्लिम बन गए थे। फिर 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक ही शासक रहा। कितने दिन, सिर्फ 12 दिन। कितने दिन, सिर्फ 12 दिन। 15-12 कितना हुआ जनाब, 27, ठीक है, 15-12 27। तो 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ही तक ये शासक रहा। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण कर ली है। जरा देखिए 12 दिन में साहब ने कहां से कहां पहुंचा दिया अपने आप को। पैगंबर के सेनापति की उपाधि इसने धारण कर ली। अब इसके शत्रुओं ने इसके जो दुश्मन थे इसके विरुद्ध नारे लगाए, कहा कि इस्लाम का शत्रु है, मतलब नसीरुद्दीन खुसरो शाह को इसके दुश्मनों ने कहा कि यह इस्लाम का शत्रु है, मतलब दुश्मन है, और इस्लाम खतरे में है, ठीक है,
कौन लगाया? तो इसके दुश्मनों ने लगाया और इसकी हत्या करके खिलजी वंश को खत्म कर दिया गया। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और यकीन मानिए गर्मी बहुत है मेरे भाई, इस गर्मी का नतीजा तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। बस आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं ले रहा हूं मैं आपसे, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इतना ज्यादा शेयर करें ताकि हर उस बच्चों तक मेरी क्लास पहुंच जाए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये चीज सिर्फ आप कर सकते हैं, मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा, ठीक है? आपकी शेयर से लोगों तक पहुंचेगा। प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आज आप करेंगे, बहुत मेहनत करता हूं और इसको देखिए आप लोग, आप लोगों को क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे, एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया तो ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ, तुगलक वंश को लेकर आएंगे। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।